भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने को लेकर तपस्वी छावनी के महंत परमहंसदास व पुलिस प्रशासन के बीच दिन भर चले हाई प्रोफाइल ड्रामे के बाद महंत परमहंसदास अपने स्थान से बाहर नहीं जा सके। इस दौरान स्थान पर ही हवन पूजन किया तो वहीं पुलिस प्रशासन उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें उनके स्थान पर ही नजरबंद कर दिया। महंत परमहंसदास को पुलिस प्रशासन ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। हालांकि उनके समर्थन में आए हिंदू संगठनों के लोगों की मौजूदगी को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं महंत परमहंसदास ने कहा कि आज भले ही मुझे पुलिस प्रशासन ने हाउस अरेस्ट कर लिया है, उन्होंने कहा कि कितने दिन पुलिस प्रशासन मुझे कमरे में बंद करके रखेगी, जब भी मुझे पुलिस छोड़ेगी तभी मैं जल समाधि लूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए हर दिन 2 अक्टूबर है, हर दिन 12 बजेगा। उन्होंने कहा कि मैं भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की अपनी मांग को लेकर अडिग हूं और जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होती तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। वहीं उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति, देश व संविधान को बचाने के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना होगा। अभी तक तो अब हमसे अभी कोई बात ही नहीं हो पाई है और हमने कहा कि आप हमसे अगर फोर्सली हमको आप रोकना चाहोगे तो आप एक दिन बंद कर सकते हो, एक हफ्ते, एक महीने, एक साल, जब भी आप छोड़ोगे उसी समय मैं सरजू जी में जल समाधि लूंगा। हम बात से अपने जो है अडिग हैं, हमारे लिए वही 2 अक्टूबर वही 12 बजे का समय होगा जिस समय ये नजरबंद से हमें मुक्त करेंगे। और या तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने कोई ठोस आश्वासन हमें मिले, और नहीं मिलता है तो मैं समझूंगा कि लोगों को एकजुट करने के लिए हमारा जो प्राण जाएगा, 100 करोड़ हिंदू जाग करके जब रोड पर उतर आएगा तब भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। अगर जीते जी नहीं तो मेरी श्रद्धांजलि में मरने के बाद होगा, लेकिन मोदी जी के ही नेतृत्व में होगा और मोदी जी ही करेंगे। आज का समय आपने दिया था 12 बजे, वो तो निकल गया है, अब आगे क्या है? आवाज तो प्रशासन ने हमारा 12 बजा दिया है, हमारा 12 नहीं बजा है। अब हमारा 12 तब बजेगा जब प्रशासन हमको छूट देगा, और जिस समय प्रशासन छूट देगा उस समय हमारा 12 बजेगा। हम अपने बात पर अटल हैं और अटल रहेंगे।